इसे देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि मुंह में पानी लाने वाले इस वेज रेसिपी का नाम क्या है जो हम आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जी हाँ, ढाबा स्टाइल इस स्ट्रीट फूड के आगे तो नॉनवेज भी फेल है। तो बिना विलंब के झटपट से सबके फेवरेट नॉनवेज को टक्कर देने वाले इस हाई प्रोटीन स्ट्रीट फूड की रेसिपी आपके साथ शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। ढाबा स्टाइल इस स्ट्रीट फूड को बनाने के लिए सबसे पहले गर्म पानी वाले बर्तन में 1/4 टेबलस्पून नमक डालकर 2 पाउच सोया चंक्स जो 10 रुपए के आते हैं डाल करके उसे अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इन सोया चंक्स को छान करके थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल करके सोया चंक्स के एक्सेस पानी को हाथों से निचोड़ते हुए अलग कर लेंगे। अब एक बाउल में 3 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च लेंगे। आप चाहें तो बराबर मात्रा मैदा और कॉर्न स्टार्च दोनों यूज कर सकते हैं और चाहें तो पूरा मैदा भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें 1/4 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। यह ध्यान रखते हुए कि हमने सोया चंक्स को भिगोते समय भी नमक का यूज़ किया था और आगे भी नमक का यूज़ करना है। साथ में 1/4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर पानी की सहायता से ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा पतला घोल तैयार करना है। हम जो पकोड़े के लिए घोल या बैटर बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा पतला घोल बनाना है, एग्जैक्टली ऐसा। और ऐसा क्यों ये हम आपको आगे बताएंगे। अब इस कॉर्न स्टार्च वाले बैटर को निचोड़कर अलग किए हुए सोया चंक्स में डालकर इन्हें हल्के हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी हल्की सी परत पूरे सोया चंक्स में अच्छे से चढ़ जाए। घोल ज़्यादा मोटे होने से तलने के बाद सोया चंक्स बहुत हार्ड हो जाते हैं और सोया चंक्स के अंदर ग्रेवी का फ्लेवर नहीं जाता है। आप देख सकते हैं हमारे द्वारा तैयार किया हुआ घोल सोया चंक्स में एकदम हल्का सा कोट हो गया है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर। यहाँ पर तेल मीडियम आंच पर गर्म हो गया है तो इन सोया चंक्स को डालकर 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फिर हाई फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके निकाल लेना है। एक बार में उतने ही सोया चंक्स डालकर फ्राई करें जितने कढ़ाई में आए। ज़्यादा डालने से सोया चंक्स चिपक जाते हैं पर हमारे सोया चंक्स नहीं चिपकेंगे क्योंकि हमारा बैटर एकदम परफेक्ट बना था। सोया चंक्स गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं तो इन्हें टिश्यू पेपर वाले प्लेट में निकाल लें ताकि एक्सेस ऑयल रिमूव हो जाए। और आप देख लीजिए सोया चंक्स बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। और इसी तरीके से सारे सोया चंक्स को फ्राई करके निकाल लें। अब असली खेला को प्यार मोहब्बत से शुरू करने से पहले 1/6 टेबलस्पून ऑयल में 1 डाइस किया हुआ शिमला मिर्च और 1 मीडियम साइज के प्याज के फोहों को हल्का सा शैलो फ्राई करके निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में 2-3 टेबलस्पून तेल डालकर सबसे पहले 1/2 टेबलस्पून क्रश्ड काले मिर्च को सोलो डांस करवा लेंगे। फिर 1.5 टेबलस्पून थोड़ा सा चॉप्ड थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक को ड्यूएट में शामिल कर लेंगे। साथ में 3 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन को कोरस में शामिल करते हुए प्यार मोहब्बत से चम्मच चला लेंगे। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो प्री प्रिपरेशन करके ये सारा काम फुल फ्लेम में करें, नहीं तो अपनी सुविधानुसार मीडियम आंच पर ही इस कार्यक्रम को करते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। और तीखेपन को ध्यान में रखते हुए 3-4 रफली कट किए हुए हरी मिर्च को ऐड करके 1/4 टेबलस्पून नमक डालकर प्यार से चम्मच चला लें। यहाँ पर भी नमक डालते हुए इस बात का ध्यान रखें कि हम जो सॉस डालने वाले हैं उसमें भी नमक मिला रहता है। अब मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून टोमेटो सॉस और 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली सॉस को ऐड कर दिया है और उसे भी मिक्स करते हुए चम्मच चलाकर 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे और वापस से कुछ इस तरह ढाबा स्टाइल में हिलाते हुए चम्मच चला लेंगे प्यार मोहब्बत से। अब ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च को पानी के साथ हमने जो घोल बना करके पहले से रखा था उसे डाल देंगे और उसी बाउल में 1/4 कप के करीब और पानी डाल करके उसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद फ्राई किए हुए सोया चंक्स को डाल करके चम्मच चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से सोयाबीन चिल्ली को ग्रेवी वाली या फिर ड्राई सोयाबीन चिल्ली भी बना सकते हैं। मैं आपके साथ ड्राई सोया चिल्ली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब इसमें 1 टेबलस्पून सिरका या विनेगर ऐड करके चला लें और अंत में शैलो फ्राई किए हुए शिमला मिर्च और प्याज को ऐड करके वापस से चम्मच चला लें। गर्मा गर्म सोया चंक्स चिली या सोयाबीन चिली को सर्व करने से पहले ग्रीन चिली की स्लाइस के साथ गार्निश करें और हो सके तो ग्रीन ऑनियन से भी गार्निश करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्ट्रीट फूड सोयाबीन चिली, जिसे आज हमने ढाबा स्टाइल में बनाया है जो कि नॉनवेज को भी टक्कर देती है, इस रेसिपी को यदि आप अपने घर वालों को बना करके खिलाएंगे तो वो नॉनवेज खाना भूल जाएंगे। ढाबा स्टाइल सोयाबीन चिली की यह रेसिपी मेरे द्वारा बताए गए तरीके से एक बार अपने घर में अवश्य बनाएं और अपने घर परिवार एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके ब्यूट द हिट चैनल को बहुत प्यार मोहब्बत के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और घंटी जैसी आकृति को समस्त नोटिफिकेशन के लिए टन से बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप बिना बेसन बिना फ्लोर के स्वादिष्ट मिर्ची पकौड़ों की रेसिपी देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में यहाँ पर क्लिक कर लें। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।